माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शाकुंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है, हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना यह हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में
भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना? कैसे? आपने जवाब गलत दे दिया। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है, एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमसी के लिए ऊपर रखा है। गरीब कल्याण,